वेलकम टू जी के लर्न दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। इसमें हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट योजनाओं को। योजना सुलभ योजना, इसका स्टार्टिंग ईयर कब से है? तो 1975 से 76 के बीच में शुरू हुई थी। उद्देश्य था इसका शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को स्वयं का रोजगार स्टार्ट करने के लिए जो पैसे देना, मतलब आर्थिक सहायता प्रदान करना। फिर सेकेंड है हमारी योजना इंदिरा आवास योजना, तो 1980 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना। फिर आती है स्वावलंबन कार्यक्रम, ये 1982 से 83 के बीच में स्टार्ट हुई थी और इसका उद्देश्य था महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत धंधों का प्रशिक्षण और बिजनेस का प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें टिकाऊ आधार पर रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त करने में हेल्प करना। फिर है हमारी चौथी योजना फसल बीमा कार्यक्रम, 1985 में आया था ये प्रोग्राम और इसका उद्देश्य क्या था कि वर्षा की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना और यही इसका एकमात्र उद्देश्य था इस प्रोग्राम का। फिर हमारी फिफ्थ वन है कौन सी, जवाहर नवोदय विद्यालय योजना। कई बच्चे नवोदय स्कूल से पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा इस योजना के बारे में कि ये 1986 में आई थी और आवासीय विद्यालय के माध्यम से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रोवाइड करना इसका एम है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्र होते हैं उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का उनका जो अधिकार है उसको ये फॉलो करता है। और छठवीं योजना कौन सी है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, 1986 में आई थी। ग्रामीण गरीब की जीवन दशा में सुधार लाना प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनको सम्मान देना इसका एम है। फिर एक योजना है उसका नाम है स्टेप, रोजगार तथा प्रशिक्षण हेतु सहायता देने का कार्यक्रम, ठीक है। ये कब आई थी, 1986-87 में आई थी। परंपरागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार कराकर रोजगार उपलब्ध करवाना इसका एम था। फिर एक आठवीं योजना है हमारी जीवन धारा योजना, 1988-89 के बीच में आई थी। जवाहर रोजगार योजना की ये एक उप योजना के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, जब 1996-97 में यह स्वतंत्र रूप से लागू कर दी गई और इस योजना को 10 लाख कुओं की योजना के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती है हमारी विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, इस ये प्रोग्राम कब आया था, 1988-89 के बीच में। अल्प वर्षा की स्थिति में चावल मक्का गेहूँ चना और अरहर की फसलों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान करना इसका एम था। फिर आती है हमारी दसवीं योजना ग्रामीण विकास और पर्यावरण अभिनव कार्यक्रम, 1 अप्रैल 1990 को आया था। ग्रामीण विकास और पर्यावरण का अभिनव कार्यक्रम, ठीक है, इसका एम क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में किफ़ायती पर्यावरण अनुकूल वैज्ञानिक रूप से परीक्षित और प्रमाणिक स्वदेशी व आधुनिक डिज़ाइनों में प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देना। फिर हमारी 11वीं योजना है एकलव्य शिक्षा विकास योजना, 1991 में आई थी और इसका एम था भारतीय जीवन बीमा के निगम, मतलब से जो शुरू हुई थी, ये भारतीय जीवन बीमा निगम के हेल्प से शुरू हुई थी और इसका एम था तेंदुपत्ता संग्राहकों की आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाए या फिर कोई दिव्यांग हो जाए और इन्हीं दशाओं में उनको आर्थिक सहायता या बीमा राशि प्रदान करना। फिर हमारी योजना आती है पंचधारा, इसका नाम सिद्ध कर रहा है कि इसमें कोई 5 धाराएं होंगी, तो इसमें 5 योजनाएं जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी, पहली देख ले तो आयुष्मती योजना, दूसरी ग्राम योजना, तीसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, चौथी कल्प वृक्ष योजना, अच्छा ये कल्प वृक्ष है कल्प तरु नहीं, कल्प वृक्ष योजना और वात्सल्य योजना। तो इन 5ों का जो समागम है वो है हमारी पंचधारा योजना, 1 नवंबर 1991 को आई थी। ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं का कल्याण और विकास हेतु। फिर आती है हमारी आयुष्मती योजना, इसी के जो सब पार्ट था वो देखते हैं, 1991 में ही आया और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु। फिर आती है जाबाली योजना, तो 1992-93 के बीच मध्य प्रदेश की कुछ विशेष पिछड़ी जाति जैसे कि बेड़िया बाछड़ा सासी, आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि इनमें क्या चलता था, तो इनमें वैश्यवृत्ति की कुप्रथा थी, उसको उसका उन्मूलन करने के लिए इसको लाई गई थी जाबाली योजना। फिर आती है एक योजना रोजगार आश्वासन योजना, इसका प्रारंभ होता है 2 अक्टूबर 1993 को। गरीबों को वर्ष में न्यूनतम 100 रुपये, मतलब 100 दिनों का रोजगार, सॉरी 100 रुपये नहीं, 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना इसका एम था। फिर आती है, लेकिन ये पहले क्या था, तो प्रारंभ में तो 23 जिलों में लागू था और वर्तमान में देखें तो सभी जिलों में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93-94 में आई थी। शिक्षित बेरोजगार जो होते हैं, पढ़े लिखे युवा जिनको नौकरी नहीं मिली, तो वो उनको 2 लाख रुपए तक का ऋण क्या देंगे, ये लोन दे देंगे,
और मतलब कि कोड में खुजली, खैर। तो लोन बैंकों के माध्यम से स्वयं का उद्योग खोल लो, जाओ कोई बिजनेस कर लो, ऐसा ही बोलना चाहते हैं। फिर योजना है राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, 20 अगस्त 1994 को आई थी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, और ये सब क्यों हो रहा है, शिक्षा का लोक व्यापीकरण करने हेतु। फिर आता है रोजगार, फिर आती है राजीव गांधी मिशन योजना, 20 अगस्त 1994 को आई थी। और ये मिशन जो है, इसमें क्या एम था कि जनता की बुनियादी आवश्यकता जो है, बेसिक नीड जो है जनता की, उसी के क्षेत्र में इस मिशन के तहत कार्य किए गए थे। फिर आती है हमारी 19वीं योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 1995 को, 79 वर्ष के हितग्राहियों को 300 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के हितग्राहियों को 500 रुपये की पेंशन देना, कुल मिला के पेंशन वाली योजना है। फिर स्वयं सिद्धा योजना 1995 में आई थी, इंदिरा महिला योजना के नाम से, लेकिन बाद में ये स्वयं सिद्धा के नाम से फेमस हो गई। और महिलाओं के स्व सहायता समूहों का गठन करते हैं इसमें, और उनको आर्थिक रूप से सक्षम बना देते हैं, और सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है कोई भी कौशल। फिर आती है कल्प तरु योजना, तो 1995-96 में आई थी कल्प तरु योजना। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लघु और सीमांत कृषकों को उनकी निजी भूमि पर फल उद्यान स्थापित करने के उद्देश्य से रोजगार आश्वासन योजना की, यह एक उप योजना है, ठीक है, उप योजना है। फिर आती है हमारी राज्य बीमारी सहायता नीति, 2 दिसंबर 1997 को आई थी। मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, गरीबी रेखा के जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उस परिवार के सदस्य अगर गंभीर घातक बीमारी से पीड़ित हो जाए तो क्या होगा, 2 लाख रुपए तक की राशि ये अस्पतालों को देंगे। क्यों 2 लाख रुपए तक की राशि, शासन के मान्यता प्राप्त शासकीय या अशासकीय अस्पतालों में उन्हीं गरीबों के उपचार के लिए ये अस्पताल को राशि प्रोवाइड कराएगी। इसी योजना के तहत राज्य बीमारी सहायता निधि कहलाती है ये चीज़, ठीक है। फिर आती है शिक्षा गारंटी योजना, 1 जनवरी 1997 को प्रारंभ हुआ था। समुदाय विशेष की मांग पर, किसी विशेष समुदाय की मांग पर 1 किलोमीटर की परिधि एरिए में अनुसूचित जाति या जनजाति SC ST बाहुल्य क्षेत्र में न्यूनतम 25 बच्चे अगर पा गए, ठीक है, या फिर अगर कोई बाहुल्य क्षेत्र नहीं है SC ST का, तो कोई सामान्य एरिया होगा, लेकिन वहाँ अगर 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो 90 दिन के अंदर अंदर शासन के द्वारा एक स्कूल खोलने की वो मांग कर सकते हैं, वहाँ पर एक स्कूल चलना शुरू हो जाएगा। फिर आती है एक और योजना, शंखनाद योजना, 26 जनवरी 1997 को आई थी। आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को आदिवासी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को सहभागी बनाना ही इसका मेन उद्देश्य था। फिर आती है बालिका समृद्धि योजना, 15 अगस्त 1997 को आई थी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में जन्मी पहली 2 बालिकाएं हैं, तो उनकी माता जो है उनको प्रसव के बाद 500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। फिर एक और योजना है स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना, ठीक है, 1997 में आई थी। और नए मकानों के निर्माण, खरीद तथा विद्यमान मकान की मरम्मत, जो अभी उनका मकान है उसकी मरम्मत करने हो, या फिर उसको फैलाना, उन्नयन करना हो, विस्तार करना हो, संस्थागत ऋण लोन तक अधिक पहुंच के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय कमी की समस्या को दूर कर देना, ये इस योजना का एम था। फिर आती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये जो है ये 1 अप्रैल 1999 में आई थी। पहले जो प्रचलित योजनाएं थी ना, कौन कौन सी थी, एक तो ट्रायसेम, एक ड्वाक्रा, ये अपने नाम सुने हुए हैं तो इनके ईयर भी देख लेते हैं। जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आया था, 1980 में, ये अपने ट्रायसेम आई थी 1979 में, ड्वाक्रा आई थी 1980 में, है ना, और जीवन धारा से मिनी आई टी आई, गंगा कल्याण योजना, इन सब को बाइंड अप करके इन्होंने एक योजना बना दी, उसका नाम रख दिया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999 में आई थी जो।
फिर हमारी है संपूर्ण स्वच्छता अभियान। ये कब आया था? 1999 में ही आया था, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराने के लिए। फिर एक और है अंत्योदय अन्न योजना, दिसंबर 2000 में आई थी। बीपीएल धारक परिवारों की प्रति माह 35 kg अनाज विशेष मतलब कि रियायती मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाता है इसमें, ठीक है, सस्ते दामों पर। फिर है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रारंभ वर्ष इसका 2000 से 2001 तक। इसका जो एम है वो है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के समग्र उद्देश्य सहित क्या क्या किया गया इसमें, तो प्राथमिक स्वास्थ्य प्लस प्राथमिक शिक्षा प्लस पेयजल आवास ग्रामीण पोषाहार ग्रामीण विद्युतीकरण इन सब के विकास पे ध्यान देना ही इसका एम था। फिर हमारी 31वीं योजना है स्कूल चले हम अभियान, ये 2000 से 2001 के बीच में आया था। इसका एम था मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाना, ठीक है, पढ़े लिखे तो हैं यहाँ पे, और अच्छे से पढ़ाओ। फिर शिक्षा को समाज से जोड़ने की कड़ी के रूप में यह योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष, अच्छा जहाँ भी 6 से 14 लिखा है वाली योजना याद कर लेना, ये पॉलिटी से रिलेटेड जोड़ते हुए लोग पूछ सकते हैं। फिर वर्ष 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की पहचान एवं विद्यालय में उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाए, नाम रजिस्टर होना चाहिए। फिर योजना कौन सी आती है हमारी 32वीं अन्नपूर्णा और सूरजधारा योजना, 2000-2001 के बीच में आई थी। इसका एम था SC ST के जो कृषक हैं उनके कल्याण हेतु अन्नपूर्णा योजना आई। अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न फसलों के बीज प्रोवाइड कराए गए, और सूरजधारा योजना आई, इसके तहत दलहन और तिलहन के बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब अपन ने देखा कि दो अलग योजनाएं थी, है ना, दो जो हमारी एक और योजना से रिलेट करती है वो है योजना किसकी, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। ये कब आई? 26 अप्रैल 2008 को हुआ, बहुत बात की है बट पढ़ना इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिलेट कर रही है ना। तो उद्देश्य क्या था इसका कि गरीब नागरिकों को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध करवाना, BPL परिवारों को 3 रुपये प्रति केजी गेहूँ, 4.50 रुपये प्रति केजी चावल तथा प्रति माह टोटल अगर देखें तो 20 किलो तक का खाद्यान्न उपलब्ध करवाना ही इस योजना का मेन एम था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।